सिद्धार्थनगर के इटवा तहसील क्षेत्र के भावपुर मीरा में मौत को दावत दे रही विद्युत तार, जहां लोगों को डर बना रहता है, जो काफी पुराना हो गया है। और ग्रामीणों ने बताया कि ये 11,000 वोल्टेज का तार, जो कि 1965 में जब हमारे गांव में विद्युतीकरण हुआ उसी समय तार लगाया गया, जो बार बार टूट कर गिर रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि इस बात को लेकर हम लोग विद्युत विभाग के जेई को भी सूचना दिए, लेकिन कोई पुरसाहाल नहीं। कई लोगों की जान भी जा चुकी है, लेकिन विद्युत विभाग आंखें बंद कर बैठा है। अगर इसमें सुधार नहीं किया गया तो बड़ी घटनाएं भी हो सकती हैं। जब इसके बारे में एसडीओ सुनील कुमार से पूछा गया तो उन्होंने बताया मामला संज्ञान में है, जल्द ही सही करा दिया जाएगा। सिद्धार्थनगर से संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। क्या नाम है चाचा और क्या आपके गांव में क्या समस्या है? मेरा नाम मसूद है। ये तार गांव का मसला है, तार का समस्या सर, क्योंकि तार से यहाँ जो आए दिन डेली हफ्ते में 4 बार तो गिरता है ये। अच्छा। मोटरसाइकिल से ज्यादा सर में लगता है। अच्छा। अब तकलीफ है कि तार अगर बदली हो जाता है गांव के सुरक्षित हो जाता है। तो आप लोगों ने किसी को सूचना दिया? एप्लीकेशन कई बार गए चुके हैं, इटवा गए जिस हिसाब से कहे, लेकिन वह व्यवस्थित नहीं हो पा रहा। हाँ ठीक है, कर देंगे कर देंगे। कितना दिन हो गया? अरे साहब ये तो कई 4-5 साल से ऐसे ही हाल है। महीने में 2-3 बार जाते हैं, कोई सुनता नहीं है? कोई सुनता नहीं है, बार बार जाते हैं, कोई हाँ आश्वासन देते हैं, काम नहीं होता। अच्छा, आपकी मांग क्या है? बस तार की बदली हो गई, केबल लग जाए, सुरक्षित हो जाए। हाँ भैया, क्या नाम है और किस गांव से, क्या पूरा मामला? मेरा नाम अजीजुद्दीन खान है, भावपुर मीरा। हाँ, ये तार का मसला जो है हम लोग को बहुत दिक्कत कर रहा है, और 1965 में ये लगा है, और जे ई साहब के पास हम लोग जाते हैं कि तार कट के गिर रहा है, इसको बदली कर दीजिए। हाँ, कुछ नहीं सुन रहे हैं, बोलते हैं हाँ हो जाएगा। ये 6 महीने से तो मैं दौड़ रहा हूँ जे ई साहब के पास, ट्रैक्टर लेके एक दिन में जा रहा था, ट्रैक्टर के हुड में लग गया। अगर मैं चप्पल नहीं पहना होता तो मैं भी मर जाता। तो कितने लोगों की? और एक आदमी, ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इसी मकान का एक आदमी मर चुका है। अच्छा। एक बच्चे का भी पैर जख्मी है। हाँ, उसको पकड़ लिया था। हफ्ते में 3-4 बार गिरता है तार कट के। अच्छा। हाँ, हम लोग बहुत परेशान है। तो आपकी मांगे क्या? मेरी मांगे है कि अरे तार बदली हो जाए, केबल, हाँ केबल लग जाए, गांव के लोग अरे सुरक्षित हो जाए। हाँ, डर हम लोग के दिल से निकल जाए, आए दिन दहशत हम लोग को रहता है। ठीक ठीक। आपके क्षेत्र में उसमें जी RDSS के संज्ञान में है, इसको डाला गया है। ये अभी जी सर गोदवारा फिर काम चल रहा है, इसके बाद गोदवारा फिर काम चल रहा है। हाँ, पूरे जो तार जर्जर है तो पूरा जो है बदलवा दिया जाएगा, और ये इस प्रोजेक्ट के थ्रू हो रहा है। हमारा विभाग का भी स्टाफ को भी पूरे संज्ञान में है, जल्द ही करा लिया जाएगा।